नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। यूपी में बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने विकासखंड चित्तौरा के ग्राम अशोका के किसान टीका राम पुत्र रामदेव के गाटा संख्या 178 पर जाकर धान की क्रॉप कटिंग कराई। कृषक टीका राम के खेत में 48.93 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की उपज प्राप्त हुई, जबकि पिछले साल की जनपद की औसत उपज 33.73 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। क्रॉप कटिंग के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने जिला सांख्यिकी अधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि जनपद के सभी बीमित कृषकों को नियमानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए। गुप्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद में खरीफ 2021 में कुल 66,173 कृषकों ने फसल बीमा कराया है, जिसमें गैर ऋणी किसानों की संख्या 11,230 है। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि जनपद में गैर ऋणी बीमित कृषकों की संख्या प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जबकि महोबा जिले में गैर ऋणी बीमित कृषकों की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। गुप्ता ने यह भी बताया कि खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 51,194 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसमें 7,839 बीमित कृषकों को 4,05,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा रबी 2020-21 में 11,068 बीमित कृषकों को 4,98,00,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान मौसम में क्रॉप कटिंग का 100% कार्य भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए CCE एग्री ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को CCE एग्री ऐप डाउनलोड करके 396 स्मार्टफोन वितरित किया गया है। क्रॉप कटिंग के पश्चात राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा डाटा लोड करते ही संबंधित डाटा ऐप के माध्यम से सीधे राजस्व परिषद को पहुंच जाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने CCE एग्री ऐप के माध्यम से जनपद में 100% हो रहे क्रॉप कटिंग कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोगों में क्रॉप कटिंग के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और इस कार्य में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कृषकों को ये भी सुझाव दिया कि अपनी धान की उपज को नजदीकी क्रय केंद्र पर ले जाकर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचें। डॉक्टर चंद्र ने बताया कि शासन द्वारा सामान्य धान के लिए 1,940 रुपए तथा ग्रेड ए धान के लिए 1,960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। फसल बिक्री करते समय बिचौलियों से सावधान रहें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर सौरभ गंगवार, IAS नायब तहसीलदार सदर हबीबुर रहमान अंसारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता, बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के प्रतिनिधि, राजस्व कर्मी और कृषक मौजूद रहे। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।